नमस्कार बच्चों, संस्कृत नाट्य साहित्य को हम आज पढ़ेंगे। जब हमने साहित्य के विधाओं के बारे में बात की थी, उस समय हमने देखा था कि साहित्य के दो भाग हो सकते हैं विधाओं के संदर्भ में। एक जो साहित्य है वो श्रव्य हो सकता है और एक दृश्य हो सकता है। तो ये जो काव्य अथवा साहित्य है, इसके जो श्रव्य स्वरूप हैं, उनमें हम लोगों ने उस समय जब हम रघुवंश और मेघदूत आदि की बात कर रहे थे, तब हमें देख रहे थे कि वो श्रव्य काव्य जो है वो उसकी विधा पद्य हो सकती है, वो गद्य विधा हो सकती है, अथवा गद्य पद्य मिश्रित चंपू विधा हो सकती है। और महाकाव्यों में भी, पद्य साहित्य में भी महाकाव्य हो सकता है, खंड काव्य हो सकता है, अथवा प्रत्येक जो पद्य है वो स्वतंत्र हो तो मुक्त काव्य भी हो सकता है। और जो गद्य की बात है वहाँ पर कथाएं हो सकती है, अथवा इतिहास पर आश्रित जो है आख्यायिकाएँ हो सकती है। दृश्य काव्य की जहाँ तक बात है, तो दृश्य काव्य में रूपक, रूप आरोपात तो रूपकम, रूप का आरोप करने के कारण वो रूपक होता है, और वो रूप का आरोप जो होता है वो हमको दिखाई देता है। यानी कि जो नट है या जो अभिनेता है वो रोल प्ले करता है, भूमिका जो है वो निभाता है। जो चरित्र या जो पात्र लिखा गया है उसका चरित्र निभाता है, इसलिए वो रूपक कहलाता है। रूप आरोपात तो रूपकम, तो रूपक कहा जाता है। और इस रूपक के जो है वो हमने उस समय भी बात की थी कि रूपक के 10 प्रकार होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संवकार, डिम, इहा, मृग, अंक, वीथी, प्रहसन आदि। तो ये जो है 10 जो प्रकार हैं उनमें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नाट्य साहित्य की। तो संस्कृत नाट्य साहित्य जो है उसमें एक लंबी परंपरा जो है, जिसे कहें कि मूल भले ही वेदों में भी मिलता है, लेकिन नाट्य साहित्य की परंपरा जो है वो कालिदास आदि से प्रारंभ होकर के और अभी तक जो है वो नाट्य की परंपरा चल रही है, भास से प्रारंभ होकर के, सॉरी। तो भास जो है उनके नाटक यद्यपि बाद में मिले, लेकिन उनका उनका अवलोकन करने पर, उनका अनुशीलन करने पर ये ज्ञात हुआ कि वो नाटकों का प्रवर्तन जो है वो भास से हुआ है। और यदि हम नाट्य साहित्य के वैशिष्ट्य की बात करें, तो काव्य की विधाओं में नाटक जो होता है वो पद्य की अपेक्षा, गद्य की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होता है। संभवतः इसलिए भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि उसमें श्रव्य काव्य में केवल हम सुनते हैं, लेकिन दृश्य काव्य में हम देखते हैं। तो जब हम देखते हैं तो उसकी जो छाप है वो हमारे मस्तिष्क पर और हृदय पर स्थायी होती है। तो दोनों इंद्रियां हमारी, श्रवण और दृश्य जो है, एक साथ काम करती है। तो नाटक का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर ज़्यादा होता है। तो समाज को बदलने की जो यात्रा है, समाज की जो विसंगतियां हैं उनको दुरुस्त करने की जो यात्रा है, उसमें नाट्य साहित्य ने अपना दूसरे साहित्य की अपेक्षा महत्वपूर्ण जो है वो, जिसे कहें कि महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले किया है, भूमिका अदा की है नाट्य साहित्य की। इसीलिए कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में जो है वो नाटक जो है वो रमणीय होता है। रम्य मतलब मन जिसमें रम सके, इस प्रकार का होता है। तो ये ही, इसी वजह से जो साहित्य में नाट्य सबसे ऊपर है, क्योंकि उसमें जो है वो श्रव्य के साथ साथ दृश्य भी होता है और उसमें मन लगता है। वो मनुष्य की जिज्ञासा को जागृत करता है, मनुष्य जो है आगे से आगे उसको देखना चाहता है। और देख सुन, जब हम सुनते हैं तो उसके लिए सोच करके, मनन करके, चिंतन करके उसको अर्थ को निकालते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमको मनन नहीं करना पड़ता, हमको सोचना नहीं पड़ता, बस अब हम डूब जाते हैं और बहुत ही स्वाभाविक रूप से हमको कवि जो संदेश देना चाहता है वो हमको मिल जाता है। तो इसलिए नाट्य जो है वो ज़्यादा रमणीय होता है। संस्कृत साहित्य में नाटकों की एक बहुत बड़ी लंबी परंपरा है, और नाटक जो है हमारे इतने रम्य होते हैं कि भारतीय के साथ पाश्चात्य समीक्षक जो हैं वो भी उनकी प्रशंसा करते हैं। यदि हम भारतीय नाटकों के उद्भव की बात करें, तो जो उद्भव है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ,
हमारा जो वैश्विक साहित्य में जो सबसे पहला जो है वो ऋग्वेद को माना गया है सर्वसम्मत रूप से, तो साहित्य का प्रारंभ ऋग्वेद से होता है। तो ऋग्वेद से जब साहित्य का प्रारंभ होता है तब हमको जो कहीं स्रोत ढूंढना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम ऋग्वेद से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ऋग्वेद में क्या नाट्य का अंश था, तो भारतीय मत ये मानता है कि वेदों में जो संवाद सूक्त थे जिसमें दो पात्र एक दूसरे से बात करते थे, वो संवाद सूक्त जो था वो नाट्य का प्रारंभिक स्वरूप था। यानी उसमें वो दो लोग बात कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पात्र है और नाटक में जो है वो पात्र होते हैं, वो आपस में बात करते हैं। तो संवाद सूक्त जो है वो नाट्य के बीज हो सकते हैं जो कि वेदों में पाए जाते हैं, और संवाद सूक्तों से नाटकों के कई नाटकों का जो है वो जिसे कहें जीवन मिला है। तो कई नाटकों के लिए संवाद सूक्त उपजीवे भी रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे संवाद मिलते हैं, जैसे पुरुर्वा उर्वशी संवाद है, या यम यमी संवाद है, या जिसे कहें कि नदियों की बातचीत है, विश्वामित्र नदी संवाद है। तो ये संवाद जो है वो मिलते हैं, ये संवाद नाटक के बीज हो सकते हैं। तो इस बात का समर्थन जो है वो अनेक साहित्यिक समीक्षक जो है वो करते हैं। अब इस नाटकों के उद्भव के संबंध में दूसरा जो मत है वो भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता है। भरत का जो नाट्यशास्त्र है उसमें उन्होंने जो है नाटकों की उत्पत्ति के विषय में बात की है, और पहले अध्याय में उन्होंने कहा है कि ये नाटक जो है वो ब्रह्मा ने बनाया है। यानी कि जब सभी जो दिव्य शक्तियां हैं, जो देवता हैं, वो ब्रह्मा से उन्होंने प्रार्थना की कि वेद जो हैं वो सबको समझ में नहीं आ सकते, तो वेदों की गहराई तक जाने के लिए या निराकार जो परम तत्व है उसको समझने के लिए जो स्तर चाहिए वो सबका नहीं होता, इसलिए साधारण व्यक्ति कैसे ज्ञान प्राप्त करे, साधारण व्यक्ति को सामाजिक शिष्टाचार और जो जीवन का जो जीवन के जो मूल्य हैं, जीवन का जो ज्ञान है वो कैसे प्रदान किया जाए जिससे उनका मनोरंजन भी हो और शिक्षा भी मिले। तो वो उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि ऐसी कोई सामग्री का निर्माण करें जिससे जो लोग वेद नहीं पढ़ पाते वो भी जो है वो ज्ञान का आनंद ले पाए। तो ब्रह्मा ने जो है ऐसा कहते हैं, ऐसी किंवदंती है, ऐसी कथा जो है वो नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रचलित है भरत मुनि के अनुसार। तो उन्होंने जो है चारों वेदों से कुछ कुछ अंश लेकर के और नाट्य बनाया जिसको कि पंचम वेद कहा गया, नाट्य वेद जिसे कहा गया। तो ऋग्वेद से उन्होंने विषय वस्तु को लिया, यजुर्वेद से उन्होंने अभिनय को लिया, सामवेद से संगीत को लिया, और अथर्ववेद जो है उससे रस तत्व को लिया, और इन चारों को लेकर के उन्होंने एक जो है वो नाट्य का निर्माण किया जिसको कि पंचम वेद कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदाद साम अभियुर् गीतमेव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसान अथर्वणात अपि। तो जो है वो रंगमंच का निर्माण किया, इसमें जो है वो पार्वती ने, शिव ने जो है अपने नृत्य से योगदान दिया, जो विष्णु हैं उन्होंने नाट्य की जो चारों शैलियां हैं उनका निरूपण किया, और भरत ने उसका अभिनय किया, ऐसा जो है वो उल्लेख वहाँ पर मिलता है। तो ये भरत का मत है कि नाट्य का निर्माण जो है वो ब्रह्मा ने किया। पाश्चात्य विद्वानों की यदि हम बात करें तो पाश्चात्य विद्वान जो है वो भारतीयों के इन दोनों मतों को नहीं मानते हैं, और उन्होंने कहा है कि नाटकों का उद्भव जो है वो अलग अलग मत उनके हैं। जैसे सबसे पहले वो कहते हैं कि वीर पूजा, तो जो है कहते हैं कि भारतीय लोग जो है अपने जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों के जो अच्छे कार्य हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करते हैं, और उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करने के लिए जो है उन्होंने पूजा पद्धति को विकसित किया है, और ये जो पूजा पद्धति में श्रद्धा समर्पित करने के लिए जो वो कार्य करते हैं, जो वो प्रदर्शन करते हैं, उससे नाटकों का उद्भव हुआ, ऐसा उनका एक मत है। दूसरा मत वो ये कहते हैं कि जो जैसे मौसम का परिवर्तन होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है, तो उसको एक उत्सव के रूप में भारतीय लोग मनाते हैं, और उस समय जो है नृत्य गायन आदि जो है वो करते हैं। तो ये जो उत्सव का नृत्य गायन था उससे जो है वो नाटक की
बीज वहाँ पर मिलते हैं और उसी का आगे जाकर के विकसित रूप में नाट्य बना है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि पुत्तलिका नृत्य पहले चलता था, यानी कि मंच पर मनुष्य नहीं होते थे बल्कि जो है पुतलियां बनी हुई होती थी, और जो जो पुतलियां होती थी वो भूमिका में होती थी, उसमें कोई राजा, कोई रानी, कोई सेवक, कोई अलग अलग पात्र जो है वो भूमिकाएं अदा करते थे, और जो जो नट सूत्रधार होता था वो सूत्रधार शब्द प्रचलित ही इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी उंगलियों में सूत्रों को, यानी कि धागे जो होते थे जो पुतलियों से बंधे होते थे, उनको अपने हाथ से पकड़ करके उनको नचाने का काम करता था। तो वो पुतलियाँ जो है वो कपड़े की और इसकी बनी होती थी और वो नाचती थी और वो आपस में संवाद करती थी, और वो जो संवाद है वो सूत्रधार बोलता था और लोग जो है उसको देखते थे, उससे उनका मनोरंजन होता था। तो ये एक मत है कि आगे जा कर के उन पुतलियों के स्थान पर मनुष्य आ गए और जो है नाटक का विकास उससे हुआ, और इस तरीके से जो है वो मानते हैं कि ऐसे नाटक का उद्भव हुआ है। अभी एक और मत है छाया नाटक। तो छाया नाटक जो है उसमें नाटक जो है वो छाया नाटक है, इस जो जिसे कहें कि पुराने जो छाया नाटक हैं उन छाया नाटकों से ये जो वास्तविक जो नाटक हैं उन नाटकों का विकास हुआ है, छाया नाटकों से ये जो नाट्य है उसका उद्भव हुआ है। और इसके अलावा मेपोल नृत्य जो है वो पश्चिमी देशों में होता है और वहाँ पर मेपोल नृत्य होता है जो कि कई महीने तक चलता है, उसमें भी नृत्य गायन हमारे उत्सवों की तरह होता है, तो उससे भी ये नाट्य का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है। तो उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे बीजों को उन्होंने स्वीकार किया है, संवाद सूक्तों को स्वीकार किया है, भरत मुनि के मत को स्वीकार किया है, पाश्चात्य विद्वान जो है वो वीर पूजा या सामूहिक नृत्य या पुत्तलिका नृत्य या छाया नाटक या मेपोल नृत्य को इसके उद्भव के रूप में, यानी कि उसके बीज रूप में उसको स्वीकार करते हैं, यानी कि नाटक बनाने वाले को जो आइडिया है वो इन इन चीज़ों से आया है और बाद में जा कर के उसका परिष्कृत स्वरूप जो है वो बाद में आया, यानी कि संवाद सूक्त से आधार पर नाटक प्ले करने का एक जिसे कहें कि विचार आ सकता है, या भरत मुनि ने जो कहा है वो भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। पाश्चात्य विद्वान जो कहते हैं कि वीर पूजा करते करते, सामूहिक नृत्य करते करते, पुतलिका नृत्य करते करते, छाया नाटक जो है वो और मेपोल नृत्य करते करते कहीं ना कहीं ये आया है कि ये ऐसा हो सकता है कि रंगमंच पर इस प्रकार का आयोजन किया जाए, तो उस विचार से ये नाट्य का विचार उत्पन्न होकर के और फिर जो है नाट्य के विकास तक ये बात जो है वो पहुंची होगी, ऐसा पाश्चात्य और भारतीय मत और भरत का मत जो है वो कहता है। तो जहाँ तक बात है कि फिर उद्भव तो ठीक है, लेकिन उसका विकास, विकास की यात्रा तब से लेकर के अब तक कैसे हुई है, तो जो है हम विकास की बात यदि करें तो नाट्य जो है वो ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले, हमने पहले भी देख लिया कि संवाद सूक्त जो है उसमें उसका मूल मिलता है, तो हम ये देखते हैं कि नाटक का मूल उद्भव जो है वो वेदों में हमको दिखाई दे जाता है। इसका मतलब ये है कि विकास में वेदों का मूल स्थान है जहाँ से वो चल रहा है, संवाद से वो शुरू हुआ है, संवाद उसका बीज है, आगे जा कर के उसका विकास हुआ है तो वेदों में मिलता है। स्रोत सूत्रों में भी कात्यायन स्रोत्र सूत्र में जो है वो एक छोटा अभिनय जो है वो किया जाता है, इसका उल्लेख मिलता है, इसका मतलब स्रोत सूत्रों तक आते आते नाटकों का अभिनय किया जाने लगा था। रामायण और महाभारत की यदि बात करें तो रामायण महाभारत जो है वो उस समय साहित्य का विकास हो चुका था और रामायण का प्ले किया जाता था, महाभारत जो है उसके भी जो है कुछ भाग जो है वो खेले जाते थे, यानी कि उनका नाटक किया जाता था, नाटक उस समय विकसित अवस्था में थे, तो इसका मतलब उस समय तक नाटक का विकास हो चुका था, वो अपनी परिपक्व अवस्था में था और प्रजा के सामने उनका, जनता के सामने उनका प्रदर्शन होता था। तो इस तरीके के नाटकों का उल्लेख रामायण महाभारत आदि का कई साहित्य के ग्रंथों में मिलता है, इसका मतलब ये है कि उस समय तक रामायण नाटक, महाभारत का नाटक आदि जो है वो वहाँ पर मिलते हैं। महाभारत में रंगशाला, नट आदि शब्दों का प्रयोग होता है, इसका मतलब कि वहाँ उस समय तक नाटकों का मंचन किया जाने लगा होगा। और
पाणिनि का अष्टाध्याय जो लिखा गया है उसमें भी उन्होंने जो है भिक्षु नट सूत्र यो हो ऐसा सूत्र मिलता है, पाराचार्य शिलालिम्ब्याम ऐसा मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस समय तक नाटकों की रचना हो चुकी थी। चौथी शताब्दी में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसमें नाटक से संबंधित सभी पद प्राप्त होते हैं, नट है, नर्तक है, गायक है, वादक है, सौमित्र, चारण आदि ये सारे मिलते थे। इसका मतलब ये है कि उस समय तक नाटक जो है वो प्ले किए जाने लगे, खेले जाने लगे, उनका अभिनय किया जाने लगा। बौद्ध ग्रंथों में विनय पटक में जो है एक उल्लेख मिलता है कि अश्वजीत और पुनर्वसु जो है वो अभिनय देखने के बाद नर्तकी के साथ प्रेमालाप कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि अभिनय उस समय होने लगा था और अभिनय का उल्लेख इसलिए आया है कि नाट्य का जो है वहाँ पर नाट्य को जो है रूपायित करने का काम प्रारंभ हो चुका था। पतंजलि ने भी कंसवध और बलिबंध नामक दो नाटकों का उल्लेख किया है। इसका मतलब ये है कि नाटक उस समय तक विकसित हो चुके थे। अब यदि जो है व्यवस्थित और क्रमबद्ध नाटकों की बात करें तो ये माना जाता है कि नाटकों की परंपरा का प्रवर्तन जो है वो भास के नाटकों से हुआ था। तो भास के जो है वो 13 नाटक हैं जो कि संस्कृत साहित्य के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि टी गणपति शास्त्री को त्रावणकोर में बाद में मिले हैं वो, और उनके 13 नाटक हैं। 13 नाटकों में दूत वाक्य, वाक्यम, कर्णभार, दूत घटोत्कच, उरुभंग, मध्यम व्यायोग, पांच रात्र, अभिषेक नाटक, बालचरित, अभिमारक, प्रतिभा, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्न वासुदत्ता, चारुदत्ता आदि जो है वो 13 नाटक जो है वो उनके पाए जाते हैं। और इस तरीके से जो है वो भास के नाटकों से प्रारंभ होता है। शूद्रक के नाटक भी, नाटक जो है वो आप जानते हैं कि शूद्रक का प्रसिद्ध नाटक है मृच्छकटिकम, जो प्रकरण की शैली में आता है और जो है उसमें 10 अंक है। उसमें जो है वसंत सेना की जो है वो प्रेम कथा उसमें है और उसके ऊपर एक फिल्म भी उसमें जो है उत्सव नामक बन चुकी है। तो उस मिट्टी की गाड़ी मृच्छकटिकम, तो मिट्टी की गाड़ी जो है इस नाटक की मूल कथा है। और मिट्टी की गाड़ी वसंत सेना चारुदत्त का पुत्र जो है वो मिट्टी की सोने की गाड़ी लेने की जिद करता है। तो इस तरीके से वो मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलना चाहता, वो वसंत सेना उनको स्वर्णाभूषण आदि दे देती है, वो स्वर्णाभूषणों की चोरी हो जाती है और ये कहानी जो है वो लंबी चलती है। तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक का है। और कालिदास उसके बाद आते हैं तो कालिदास के 3 नाटक जो है वो मिलते हैं, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रम और वर्ष्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतल को हम लोग जो है वो थोड़ा विस्तार से देखेंगे और उसमें फिर बहुत सारे जैसे हर्ष हैं उनके नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद आदि जो है। बहुभूति हैं उनका मालती, माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित जो है वो पाए जाते हैं। बहुभूति ने करुण रस को जो है वो मुख्य जिसे कहें रस माना है नाटकों में, यद्यपि सामान्य परंपरा के अनुसार जो है वो वीर रस, श्रृंगार रस आदि नाटक के मुख्य होने चाहिए, लेकिन उत्तर रामचरितम में उन्होंने जो है करुण रस को मुख्य माना है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस भी इसी क्रम में एक विकास का सोपान है। भट्ट नारायण का वेणी संहार जो है वो जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इस प्रकार से जो है वो नाटकों का विकास निरंतर चला आ रहा है और जो है बहुत सारे जो है नाटक उस श्रेणी में आ सकते हैं। मुरारी का नर्ग राघव है, शक्तिभद्र का आश्चर्य चूड़ामणि है, अनंग हर्ष मार्ग का जो है तापस वत्सराज है। इस तरीके से उद्दात राघवम जयदेव ने प्रसन्न राघवम लिखा है। इस समय भी जो है अभिराज राजेंद्र मिश्र और राधा वल्लभ त्रिपाठी आदि वो जो सारे जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं वो साहित्य रचना में लगे हैं और उनके बहुत सारे नए साहित्य की सभी विधाएं आ रही है। निश्चित तौर पर नाटकों की विधाएं भी उनमें आ रही है। रेडियो रूपक और नुक्कड़ नाटक आदि भी जो है वो संस्कृत में लिखे जा रहे हैं। समयानुकूल जो है परिवर्तन और उनमें मनोरंजकता का जो है वर्धन हो रहा है। तो इस तरीके से हमने आज ये देखा कि नाटकों का विकास जो है वो उद्भव जो है वो वेदों से प्रारंभ हुआ और आज तक चल रहा है। और इस और आगे के जो हमारे जो क्लास होगी उसमें हम लोग भास के नाटकों के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।